हुए हैं, ये एजिटेशनिस्ट नहीं है, ये मजबूरी में खड़े हुए हैं, इस धूप में मजबूरी में खड़े हैं क्योंकि बदहाली है, सड़कों की बहुत बुरा हाल है। ये तो लोग परेशान हो गए, सड़क के ऊपर आए हैं कि उनकी ये परेशानी का ये है दिखाया जा रहा है। जो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं MC साहब से, मेयर साहब से, और लोकल पार्षद को भी कहते हैं कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें ताकि जो समस्याएं के लिए जिसके लिए उनको चुना गया है वो उसके लिए काम करें। यहाँ की सड़कों के हालात देख के ऐसे लगता है जैसे कि हम किसी स्लम में भी, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होता होगा। स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बुरा हाल है, पैदल चलने के लिए जो पाथ बना हुआ है उसका बहुत बुरा हाल है, कोई पैदल नहीं चल सकता है, गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि हर वक्त रात में अगर हम निकलें शहर पे या कुछ भी मार्केट जाना है कुछ है तो स्ट्रीट लाइट नहीं होती, अंधेरा रहता है। और अपना ये पैदल बहुत हैं सड़कों पे, इस तरह से हमारा घूम रहे होते हैं कि डर लगता है पैदल चलते समय कि कब वो हमको हर्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही विनती है कि थोड़ा सा अपने शहर के लिए वो सोचे, अदरवाइज तो फिर हम लोगों को इस तरह से आना ही पड़ेगा विरोध में। हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, बस पंचकूला जैसा शहर में रहते हुए हमें लगता नहीं है कि हम ऐसे शहर में रह रहे हैं। फिर 5 साल से रोड का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी हमने 2 दिन पहले जब इन्होंने शराब के ठेके से सड़क बनानी शुरू की, हमने अप्रोच किया उनको, भाई वो तो पहले ही ठीक है, उनको तो आप दोबारा बना रहे हो। जो 5 साल से सभी लोग परेशान हैं, 64 नंबर लेकर 85 नंबर तक, और इधर 83 नंबर, 83B, और ये जो 84 नंबर और 83A के सामने इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, लोग गिरते हैं स्कूटरों पे, लेकिन इस पे मेयर साहब का कोई जवाब नहीं। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मुझे कहते हैं मार्च एंड तक बढ़ जाएगी, फिर मुझे उन्होंने लास्ट कहा कि मई के फर्स्ट वीक में हर हालत में शुरू हो जाएंगी। फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मैं कहा मई तो आप कह रहे हैं, आप ईयर बता दो कि ईयर कौन सा है, क्यों आप कभी फरवरी कह रहे हो कभी मार्च कह रहे हो। तो जो भी है, इन सड़कों का इतना बुरा हाल कर रखा है पूरे पंचकूले के, हमारे 20 सेक्टर की, इसी को ही इग्नोर किया जाता, क्यों ठीक नहीं करते हमें समझ नहीं आ रहा। इसको जल्दी से ठीक करें ताकि आम आदमी जो आम नागरिक जो परेशान हो रहा है उसकी परेशानी दूर हो। सड़कों पे इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि जब हम सब बच्चे साइकिल चलाते हैं और स्पेशली बारिश के सीजन में या गड्ढों में पानी भर जाता है और इतना ट्रैफिक होता है रोड पे कि हम इंजर हो सकते हैं, साइकिल की चेन निकल जाती है, हमारे पैर मुड़ जाते हैं।